मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी हो गई है। शादी 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में हुई। 3 दिन तक चले इस शादी समारोह में कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। खबरों के मुताबिक शादी पर कुल खर्च 5,000 करोड़ रुपए था, जो प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की शादी से भी ज्यादा है। अंबानी परिवार की नई सदस्य राधिका मर्चेंट ने अपनी सास नीता अंबानी को इस शादी का CEO बताया है। हाल ही में वोग से बातचीत में उन्होंने नीता के संपन्न और दूरदर्शी नेतृत्व के बारे में बात की, जिन्होंने पूरी शादी को उत्सव बना दिया। ये उनका ही दिमाग था जिसने शादी में देश दुनिया की हस्तियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अनंत और राधिका की शादी 3 दिन तक चली। इसकी शुरुआत 12 जुलाई से होकर 15 जुलाई को कर्मचारियों के लिए एक रिसेप्शन के साथ समाप्त हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस भावी शादी की लागत प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी से भी ज्यादा थी। इसकी अनुमानित लागत लगभग $16.3 करोड़ यानी लगभग 1361 करोड़ रुपए थी। अनंत और राधिका की शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस भारी भरकम लागत में प्री वेडिंग फंक्शंस भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल लागत का $30 करोड़ सिर्फ प्री वेडिंग फंक्शंस पर खर्च किया गया था। इसमें लग्जरी क्रूज पर केटी पेरी और बैक स्ट्रीट बॉयज जैसे सितारों की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। पूरी शादी में अंबानी परिवार की महिलाओं ने जो गहने पहने वो भी काफी चर्चा में रहे। नीता अंबानी का 400 से 500 करोड़ रुपए कीमत का पन्ना जड़ा हीरो का हार और श्लोका अंबानी का भी उसी कीमत का हार इंटरनेट पर छाया रहा। राधिका मर्चेंट ने अपनी सास नीता अंबानी को 5,000 करोड़ रुपए की इस शादी का CEO बताया है। हाल ही में वोग के साथ बातचीत में उन्होंने राधिका से कहा, मेरी सास इस शादी की CEO थी, जैसे मैं कहना चाहती हूँ। ये नीता की प्रतिवृद्धता और दृष्टि थी जिसने हमारे पूरे उत्सव को जीवित कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि ईशा और श्लोका मेहता ने भी योजना बनाने में मदद की। राधिका ने आगे खुलासा किया कि उनकी शादी की तारीखें रणनीतिक रूप से चुनी गई थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के पुजारी की सलाह पर 12, 13 और 14 जुलाई की तारीख चुनी गई थी। फिलहाल अनंत और राधिका की शादी के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।